नमस्कार, सूरज बनवाल के चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों में होली आने वाली है, इसलिए मैं आप सभी के लिए यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पैनकेक गुजिया। आम गुजिया तो सभी बनाते हैं, लेकिन इस होली पर आप पैनकेक गुजिया बनाइए, आपकी फैमिली और गेस्ट को काफी पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कि यह किस तरह से बनता है। पैनकेक गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैनकेक का बैटर तैयार करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 3 टेबलस्पून शुगर, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, पिंच भर सॉल्ट। अब मैं इसमें डालूंगी 2.5 कप पानी, क्योंकि हमें इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। अब मैं इसे मिक्स करके लाती हूँ। मैं इसमें मिक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब मैं इसे बोल में निकाल लूंगी। अब मैं इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखूंगी। तब तक चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। गुजिया के लिए हमें चाशनी बनाना है, तो मैं इसमें डालूंगी 2 कप शुगर और 1 कप पानी और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से घुल नहीं जाता। शुगर घुल चुका है, अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा चिपचिपी ना हो जाए। शहद जिस तरह से होती है ना, उस तरह से हमें थोड़ा चिपचिपा चाहिए। हमें इसमें कोई तार नहीं चाहिए, बस थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी 1/2 टीस्पून लेमन जूस, थोड़े से केसर के धागे, इससे गुजिया कलर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे मिक्स कर देंगे। इसे मैं 1 मिनट के लिए और पका लूंगी। देखिए, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें चिपचिपा चाहिए, इसमें कोई तार नहीं चाहिए हमें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हमें गुजिया की फिलिंग तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम मावा लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी मिक्स ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून आलमंड, 1 टेबलस्पून पिस्ताचू और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर वॉलनट लिया है। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ और सभी को हम मिक्स कर देंगे। मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हम पैनकेक बनाने चलते हैं। देखिए, हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है। देखिए, अब हम इसका पैनकेक बनाएंगे। पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है।
अब मैं इसमें डालूंगी अपना बैटर। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखिए कितने अच्छे से इसमें जाले आ गए हैं, ये अच्छे से पक भी चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी और इस तरह से इसे हम कपड़े से ढकते जाएंगे जिससे ये सूखेगा नहीं। अब हम दूसरा भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए दूसरा भी बन चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए मैंने थोड़े से पैनकेक बना लिए हैं, अब मैं आपको इसको फिल करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा फिलिंग है, मैं इसमें इस तरह से थोड़ी सी फिलिंग 1 टीस्पून के करीब, आप जितना चाहे इसमें फिलिंग भर सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिएगा। और इसे हम बंद कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमें सभी को बनाना है। देखिए मैंने थोड़े से गुजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसे देख लेती हूँ कि ये गर्म हुआ है या नहीं। तो हम एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मैं फ्लेम को थोड़ा लो पर कर देती हूँ। अब एक एक करके गुजिया हम इसमें डालते जाएंगे। और इसे लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए गुजिया हमारा लाल हो चुका है, इस तरह से हम इसे हमने इसे उलट पलट करके लाल कर लिया है। अब हम इसे एक एक करके किचन टॉवल पर निकालते जाएंगे। देखिए इस तरह से किचन टॉवल पर देखिए मैंने सारे गुजिये तलकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे अपनी चाशनी में डालूंगी। चाशनी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, तभी हमारा गुजिया उसे पी पाएगा। देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। अभी इतना ही आ रहा है, हम इसे 1 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे और इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से चाशनी ये पी ले। देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमारा गुजिया ने रस को अच्छे से पी लिया है। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। बाकी का गुजिया भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे भी 1 मिनट के लिए सोक करने देंगे। देखिए हमारा गुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना रस से भरा हुआ है, ये देखिए। अब आप इस होली में पैनकेक गुजिया बनाइए और सभी के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये मेरी यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी होली।